हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। चाहे मॉर्निंग हो चाहे नाइट हो, तो काम तो बस शुरू ही रहता है। तो चलिए वीडियो। तो पूरे घर में पोछा लगा ली हूँ, बस यहाँ पे बचा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, सबसे लास्ट में यहाँ पोछा लगाती हूँ। और जब पोछा यहाँ लगाती हूँ ना, तब लगता है चैन की सांस लेती हूँ। ऐसा लगता है यार मैंने तो पोछा। रूम में क्या हुआ? मेरी तबीयत का तमाशा है। तो देखिए, जब बरसना होता है भगवान जी को, भगवान जी टाइम ही नहीं देखते हैं। और देखिए अभी इस समय धूप भी हुआ है और बारिश भी हो रही है। लव, अभी इस समय धूप है, बारिश भी हो रही है। अच्छा लगा लिया है, मैंने तो जग जीत लिया है ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पे मतलब जहाँ पे नल है और यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। और अभी यहाँ पे गाड़ी हट गई है ना, तो फिर पोछा लगाने में आसानी हो रही है। और यहाँ का जो पत्थर है ना, वो मेरा यार पता नहीं, पहले बात तो मिस्त्री को लगाना नहीं चाहिए इस तरह से, फिर हाल काला हो गया। कितना भी उसको साफ़ करते हैं ना, वैसे लगता है कि एकदम चमकता नहीं है। और कुछ टाइम भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसकी वजह से ऐसे हो गया है। लेकिन क्या करूँ, अभी मैंने डाला मतलब यहाँ पर डाल के, हार पिक डाल के मैंने इसको साफ़ किया था, बट उतना अच्छा नहीं साफ़ हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था। ये है, फिर भी हारपिक डालने से थोड़े से जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी डाउन हो गए हैं। और हारपिक डाल के मैं पोछा भी लगा देती हूँ तो अच्छा भी रहता है। तो फाइनली मेरा पोछा जो है पूरे घर में लग गया है। और यहाँ जैसे कि मैंने बताया लास्ट है, तो बस इस संडे को मैं ना जैसे कि टॉयलेट रूम साफ कर दी थी, बट बेसिंग नहीं धुली थी। संडे को ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ दोनों साफ़ की, दोनों जगह की साफ़ सफाई कर दूँ, जैसे कि बेसिंग की और टॉयलेट रूम की, लेकिन बट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साफ़ करने के लिए बेसिंग में डालूँगी थोड़ा सा हार्पिक। जैसा कि मौसम गर्मी का चल ही रहा है, बारिश का चल रहा है गर्मी का, और हमारे यहाँ बहुत कम बारिश हो रही, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैंने सोचा बेसिंग साफ़ करने के पहले मैं फ़ैन चला लूँ। अगर कुछ देर आप ऐसे लेप लगा के इसको 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा साफ़ होता है बेसिंग। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ, तो बस लगे हाथ मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। बट ये है कि साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा गंदा तो था नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बेसिंग जो है साफ़ हो गया है। थोड़ा सा इसको हम ब्रश से और अच्छे से मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे, ताकि जो है क्लीन हो जाए। और उसके बाद मुझे ऐसे मेरे हाथ पे ऐसा लग रहा था कि ब्रश से मतलब फेस पे मेरे हारपिक लग गया है, तो मैं एक डर सा बना रहता ना, तो फिर मैंने अपने फेस को पानी से धुला है कि कहीं दाग ना पड़ जाए, और वैसे भी होता है। तो बस उसके धुलने के बाद मैं फिर से बेसिंग धुल रही हूँ। और जैसे कि मैंने लिप लगा दिया था, फिर टाइमिंग ज़्यादा नहीं रोकी थी, इसलिए तुरंत मुझे धुलना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे ब्रश रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर दूँगी। बेसिंग की साफ़ सफ़ाई तो हमने कर दिया, बेसिंग की साफ़ सफ़ाई के बाद जो नीचे नल लगा हुआ है तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और जो मैं बता रही थी, यहाँ के जो मार्बल है काला पड़ गया है ना, तो उसको मैं हारपिक डाल के इसको ब्रश से साफ़ करूँगी। और जब से मैं हारपिक का इस्तेमाल करने लगी, तो काफ़ी हद तक यहाँ का जो कालापन, काला क्या कि जैसे पीले पीले से हो गए हैं, तो वो जो पत्थर पीला हो गया है तो वो काफ़ी हद तक पहले से ज़्यादा साफ़ हो गया है। और पहले मैं यहाँ पे हारपिक डालती थी, और उसके बाद मैं हारपिक डाल के थोड़ा सा पोछा भी लगा लेती हूँ, तो यहाँ भी अच्छा सा साफ़ हो गया है, और अंदर भी रूम में, और थोड़ा सा उससे कीड़े उड़े भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि जो मेरी नीचे की बेसिंग के नीचे की जो साफ़ सफ़ाई थी वो भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पर ये पानी जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई फिसल जाएगा तो उसका सर और तो टूट ही जाएगा।
टूट जाएगा, मतलब फूट जाएगा, और कहीं मैं ही फिसल गई, कहीं भी लग जाएगा ना, तो मैं हमेशा से चाहे वो आंगन हो चाहे वो मतलब कहीं का पानी हो, जैसे कि यहाँ पे जो ढाल बना है, तो मैं सोचती हूँ कोई ना फिसल ना जाए, इससे अच्छा कि मैं बराबर से इसको पानी को हटाती रहती हूँ। और यहाँ पर आप देख, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिन की साफ़ सफ़ाई हो गई है, और सोचती हूँ कि मैं अभी आ रही हूँ कर लूँगी, तो रह ही जाता है। देखिए यहाँ पर साफ़ सफ़ाई मैंने कर लिया है, तो वेलकम है माय होम यानी माय वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो पावदान है उस पर भी वेलकम लिखा है, लेकिन हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़, बिल्कुल भी सच में मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये पैरों के नीचे से पड़ेगा और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं, या आप भी ये चाहते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। मुझे तो लगता है रॉन्ग है, नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे अक्षर पढ़ते हैं, कहते हैं हमें विद्या को पैर से नहीं छूना चाहिए, और इसको हम पैर रख के जाते हैं, कितना हम इसको बचा सकते हैं। तो देखिए वेलकम होता है, तो जिसकी आप अगर इतना है तो आप वो दरवाजे पे कहीं भी लिख सकते हो वेलकम टू माई होम, और बट इस तरह से पावदान पे वेलकम है हमारे होम में, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं अगर लेने गई होती तो मैं शायद इसको ना लेती, क्यों मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, और मैंने उनसे बोला भी कि ये क्या लेके आए हो आप। यहाँ पे मैं फ़ैन बंद कर दूँ, और अभी जाके मेरा पसीना जो है चेहरे का सूखा हुआ है, तो अभी मैं इतना काम करी उसके बाद, और मैं जो भी मैं पावदान के बारे में आपसे बात की उसकी राय आप ज़रूर दीजिएगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि देखिए सबकी सोच अलग अलग होती है, बट होती तो है ना। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी मैंने सारे काम को ख़त्म कर लिया है, बस अब मेरा काम जो बचा है नहाने का, और जो मतलब दो तीन इसको छोड़ के, ये वेलकम वाला पौधन छोड़ के, बाकी हम सारे पूरे जितने नीचे फ्लोर है उतने सारे पौधन ले लिए हैं, ये भी साफ लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पड़े रहने देती हूँ, और बाकी जो अंदर के हैं गंदे हुए हैं उसको धुल देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि देखती हूँ मैं गलत हूँ या आप लोग सही हो, या ये गलत है जो इसमें लिखा गया है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इस टॉपिक पे, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, देखते हैं कितने परसेंट मेरे तरफ है राइट या रॉन्ग में, तो होता है ना, तो समझ में भी आएगा। और एक मेरे व्यूवर्स हैं विकास का कहना है कि एक बार मैंने सेल लाइव में बोला था कि कमेंट ऐसे मत करो, तो विकास कह रहे थे कि आंटी जी इस पर एक वीडियो छोटी सी बनाइएगा कि अरे भैया गंदे कमेंट मत करो। तो उस बार मैं जब बोली थी तो मैं मुझे नहीं पता है कि मैं झटके में कब बोल दी थी हल, और अभी मुझे हंसी आ रही है, और कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं कर सकती हूँ, मैं गांव से हूँ तो गांव की भाषा तो मुझे अच्छी लगती है, दूसरी गांव मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे खुला खुला सा हवा लगता है, ठंडी ठंडी सी, अभी बारिश के समय के बाद जो ठंडी ठंडी हवा लगती है। हाँ बस गांव में मुझे एक चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो कीड़े खेत में आ जाते हैं तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा मन ख़राब होता है, और इधर उधर की जैसा कि जानवर की पोटी जिसे गोबर बोलते हैं, जिसे कंडा बनता है, और वो सारी चीज़ें मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब बारिश होती उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरा मन ख़राब होता है, मतलब मुझे मैं खा नहीं पाती हूँ कोई चीज़ खाना, और वोमिटिंग बराबर से लगी रहती थी, यही मुझे गांव में सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है बारिश के टाइम। और बारिश के बाद जब जहाँ पे सीलन हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे धूप नहीं पहुँचता है, कैसे बताऊँ आपको कि अजीब सी स्मेल, जब धूप आती है तो अजीब सी स्मेल होती है, वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है गाँव में। बाकी ये दो छोड़ के बाकी गाँव में मुझे अच्छा लगता है,
तो अभी आप देखिए, मैं बाहर थी तो फैन चलाई थी तो पसीना सूख गया था। अभी यहाँ पे आपसे वहाँ बाहर से आई हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ, अभी देखिए मेरे चेहरे पे, मेरे फेस पे आपको पसीना पसीना सा दिख रहा होगा। तो नहा लेती हूँ, नहा धो के नहाई धोई सी लगूँगी, फिर उसके बाद मिलूँगी पूजा पाठ करने के बाद। वैसे लेट हो गई हूँ, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो ज्योति यहाँ साफ़ सफाई कर रही हैं, बर्तन धुल चुकी हैं, जो तो पानी है उसको साफ़ कर रही हैं और बर्तन वर्तन ठीक धुलती हैं और काफ़ी हद तक इनसे हेल्प हो गया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय।